Hello everyone, I am Dr. Sanjeev Phatak, diabetologist from Ahmedabad. Hello, I am Dr. Shailaja Kale, diabetologist from Pune. वैसे तो हम दोनों metabolic physicians हैं, लेकिन आज रंग दे नीला के मंच पर हम metabolic सूत्रधार बन के आए हैं. हमारी ये कोशिश रहेगी कि आज इस मंच से आपको इंसुलिन के बारे में पूरी जानकारी दें. और आज हमारे इस इंसुलिन सिखाने की कोशिश में सिर्फ हम डॉक्टर्स नहीं हैं, हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर बाजीराव सिंघम और बठिंडा से भागी हुई एक सिखड़ी गीत. आप तो सब इसे जानते ही हैं, सुना है आजकल गीत भागी हुए बठिंडा से और मुंबई में कहाँ छिपी है, उसे ढूंढने की जिम्मेदारी दी है बाजीराव सिंघम पर. क्या गीत इसलिए घर से भागी है कि उसे इंसुलिन लेने से डर लगता है? एकदम सही फरमाया डॉक्टर संजीव आपने. चलो हम दर्शकों को ले जाते हैं मुंबई के बांद्रा टर्मिनस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, जहां से मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन बस अभी 2 मिनट में निकलने वाली है. तावड़े ओ गोटिया, तू तिकड़े बग. ये लड़की, क्या नाम है उसका, गीत, उसका फोटो तेरे दिमाग के कंप्यूटर में फीड कर दे. इसी ट्रेन में होगी वो. अरे मेरी ट्रेन जा रही है. अरे कोई ट्रेन को रोको, रोको, कोई तो चेन खींचो, रोको ट्रेन, ट्रेन चली गई. आइचा गावत, ये तो इधर है. ओ मिस बठिंडा, गेली तुमची ट्रेन, चला आता थाने. थाने? और आपको कैसे पता चला मैं बठिंडा से हूँ? बठिंडा में आपकी फैमिली आपको ढूंढ रही है मैडम, चला आता. तो क्या भारत के 28 राज्य की पुलिस को गीत की तलाश है? तुम क्या रोज इतनी बकबक करती हो, या आज कोई स्पेशल ओकेजन है? देखो इंस्पेक्टर सिंघम, मेरी पूरी की पूरी फैमिली एक डॉक्टर के चक्कर में फंस गई है. कहते हैं मुझे मेरी डायबिटीज के लिए अब इंसुलिन लेना पड़ेगा, पर मैं थोड़ी पागल हूं. इस जवानी में ये इंसुलिन लेकर अपने लीवर, अपनी किडनी खराब करने का कोई शौक नहीं है मुझे. और अगर मेरा वजन बढ़ गया तो बाप रे, इसलिए मैं तो भाग रही हूँ. और मुझे बचपन से भागने का बड़ा शौक है, बाय गॉड. ओ मिस बठिंडा, पूरा ज्ञान होना शांति लाता है और अधूरा ज्ञान क्रांति. कहाँ पढ़ा तुमने कि इंसुलिन लीवर और किडनी को खराब कर देता है? बठिंडा में किसी से भी पूछ लो, बठिंडा की गूगल क्वीन कौन है. सो ऑब्वियसली गूगल से पता चला है मुझे. गूगल आता माजी सटकली. ओ मिस बठिंडा, गूगल का बुखार बहुत लोगों के सर से उतारा है मैंने, अब तो गिनती भी भूल गया हूं मैं. आता तुझी बारी आली. तुम्हें पता है मैंने ये भी पढ़ा है कि इंसुलिन से लोगों का शुगर डाउन हो जाता है. सोचो मेरी लाइफ के लिए ये कितना बड़ा खतरा है. आइचा गावत, तुम कौन से जमाने की बात कर रही हो? अब मार्केट में इस तरह के इंसुलिन है जिनसे हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बहुत कम है. बाजीराव सिंघम इंसान देख के उसकी कुंडली बता देता है. मुझे तो लगता है तुम्हें तुम्हारे डॉक्टर से ये सारे डाउट डिस्कस ही नहीं किए और ऐसे ही भाग निकली हो. जी हाँ, शायद गीत ने उनके डॉक्टर से ये सवाल नहीं पूछे थे. और हमारे देश में गीत जैसे कई पेशेंट्स हैं जो इंसुलिन शुरू करने से डरते हैं. ये बिल्कुल सही है कि लोगों के मन में इंसुलिन के बारे में बहुत सारी गलत फहमी है, जैसे गीत में है. ये गलत फहमी इसलिए क्योंकि उनको इसके बारे में अच्छी जानकारी नहीं है. एक बार इंसुलिन मतलब पूरी ज़िंदगी इंसुलिन, ये गलत है. दिस इज़ अ मिथ. ऐसे नहीं होता है. कभी कभी शरीर में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसे कुछ कंडीशंस होती हैं कि उस टाइम इंसुलिन की ज़रूरत लगती है. तो इंसुलिन देने के बाद वापस मेडिकेशन या गोली पे पेशेंट्स आ सकते हैं. ऐसा नहीं होता कि इंसुलिन मतलब पूरी ज़िंदगी इंसुलिन. अगर आपके शरीर को ज़रूरत है तो ज़रूरत है, वो इंसुलिन लेना ही पड़ेगा. और एक गलत फहमी यानी कि मिथ ये भी है कि इंसुलिन दूसरे ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है. सही बात तो यह है कि इंसुलिन किसी ऑर्गन्स को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि अच्छा कंट्रोल होने से ऑर्गन्स प्रोटेक्ट हो सकते हैं. तो जब भी आपके डॉक्टर आपको इंसुलिन की एडवाइस दें तो इंसुलिन लेना बहुत ही एडवाइजेबल. और लोगों को ये भी डर रहता है
स्पेशली गीत जैसे लड़कियों को कि मेरा वजन बढ़ेगा इंसुलिन लेने से, लेकिन ये सही नहीं है। बराबर लाइफस्टाइल करेंगे, आपके खाने पीने पे ध्यान देंगे और तंदुरुस्ती के लिए शारीरिक कसरत करेंगे, कैलोरी बर्निंग करेंगे और इंसुलिन का डोज अगर करेक्ट है तो वजन नहीं बढ़ता है। तुम क्या कह रहे थे? तुम्हारी भटिंडा में मेरे घर वालों से बात हुई और तुमने उनको बताया कि मैं इंसुलिन लेने के लिए तैयार हूँ? तुम जानते नहीं हो उनको, उन्होंने तो अब तक ढोल ताशा बजा के भांगड़ा डालना शुरू कर दिया होगा। तुम भी चलो मेरे साथ भटिंडा, बड़े खुश होगे तुमसे मिलके मेरे घर वाले। गीत, समय किसी के लिए रुकता नहीं है और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको समय दोबारा एक मौका देता है। आगे जाके अपनी लाइफ से कभी मत खेलना। अरे इंस्पेक्टर सिंघम, तुम तो एकदम सेंटी हो गए। अरे तावड़े सांग हिला, ट्रेन निकल जाएगा इसकी डायलॉग बाजी में अभी के अभी। जल्दी लाओ और प्रिस्क्रिप्शन निकालो अभी के अभी। इंसुलिन लेना है तुम्हें अभी के अभी, जल्दी से इंसुलिन ला तावड़े, संपावा विषय। अरे 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 एक्सक्यूज मी, मुझे इंसुलिन लेना नहीं आता। देखो इधर और ध्यान से सुनो, पहली बात, इंसुलिन लेने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना है। दूसरी बात, इंसुलिन को हाथों के बीच रख के रोल करना है। और तीसरी बात, नीडल को सीधा एकदम 90 डिग्री पर रख के इंसुलिन लेना है और इंसुलिन लेने की जगह बदलते रहना है। सही सलाह दी सिंघम ने। गीत, इंसुलिन पेट की चमड़ी के नीचे यहाँ पे ले सकती है, या थाइज में आगे या साइड्स पे ले सकती है, या हाथ पे यहाँ या यहाँ पे वहाँ पे भी ले सकती है। चमड़ी के नीचे लेना है इंसुलिन, बहुत छोटी नीडल होती है तो डरने की कोई वजह नहीं है। और एक चीज हमें याद रखनी है, इंसुलिन सिरिंजेस के होते हैं दो प्रकार, 100 IU एंड 40 IU, ये है उनकी पहचान। 40 IU सिरिंज का इस्तेमाल है आम, लाल रंग की कैप है इसकी पहचान, नारंगी रंग की कैप अगर देखो तो 100 IU है, जान लीजिएगा आप। सिरिंज और इंसुलिन का आयु होना चाहिए एक समान, तभी होगा शुगर पे काबू करना आसान। अब टाइम आया है अलविदा कहने का, तो अगर आपके डॉक्टर साहब को इंसुलिन चालू करने की सलाह दें तो गीत की तरह भागिएगा मत, क्योंकि हर जगह आपको बाजीराव सिंघम नहीं मिलेगा। इंसुलिन को अपना दोस्त और हमसफर समझिए, ये कोई पनिशमेंट या दुश्मन नहीं है। इंसुलिन के साथ अपनी जिंदगी का ख्याल रखें और हर दम खुश रहिए। जिसको जरूरत भी नहीं है वो भी इंसुलिन लेना चालू।